नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को पहचाना जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक काफी कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को सोशल सिचुएशंस या कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशंस में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, और उस पर्सन को जिसको सोशल एंजाइटी है उसे ऐसी सिचुएशंस में बहुत एम्बैरेस्ड, बहुत रिजेक्टेड और स्क्रूटिनाइज्ड फील होता है। मतलब शर्मिंदगी महसूस होगी, ऐसा लगेगा उसे रिजेक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया है, या लगेगा कि उसकी बेइज्जती की जा रही है, उसका मजाक किया जा रहा है, उसको चिढ़ाया जा रहा है या उसकी खिंचाई की जा रही है। और क्योंकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर होता है एक तरह का, तो इसलिए इसमें फिजिकल सिम्टम्स एंजाइटी के बहुत कॉमनली देखने में आते हैं। और एक पर्सन जिसको कि सोशल एंजाइटी है वो ऐसा देख पाता है कि इतना ज्यादा तो एंग्शियस होने की कोई सिचुएशन थी नहीं, इतना ज्यादा तो डरने का कुछ मामला था नहीं, इसलिए वो ऐसा देखते हैं कि ये बड़ा अनरीजनेबल है, मतलब जरूरत नहीं थी, ज्यादा हो गया। पर फिर भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं और वो कुछ सही तरीका नहीं निकाल पाते कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, वो नहीं समझ पाते कि इस एंग्जाइटी को कैसे कम किया जाए, तो ऐसे में वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। या कई बार जब उनको सिचुएशन अवॉइड करना मुश्किल होता है तो वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फेस करते हैं उस सिचुएशन में, बहुत ज्यादा घबराए रहते हैं, और उसमें उनके फिजिकल सिम्टम्स जो है एंग्जाइटी के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कोई शाइनेस नहीं होती, मतलब ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें व्यक्ति बस थोड़ा शर्मीला महसूस कर रहा है या थोड़ा बचने की कोशिश कर रहा है, या ये सिर्फ कोई कॉन्फिडेंस इशू नहीं होता। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो एंग्जाइटी के इर्द गिर्द चलते हैं, जिसकी वजह से एक पेशेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, काफी हद तक उसके अंदर एक इम्पेयरमेंट आती है, जिस वजह से वो बहुत हेल्दी वे में डे टू डे लाइफ में काम नहीं कर पाता, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को अवॉइड करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, कितना कोई कोशिश कर लेगा दुनिया से, लोगों से दूर भागने का। तो इसलिए डिस्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट की जो लाइफ है वो बड़ी डिसेबलिंग और बड़ी डिस्ट्रेसिंग हो जाती है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बच्चों में और बड़ों में दोनों में पाया जाता है। बच्चों में इसकी पिक्चर अलग होती है और बड़ों में थोड़ी अलग होती है। इस बारे में आगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो पहले बात करते हैं कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स मोटे तौर पे तीन कैटेगरीज में लाए करते हैं, या ये कहें कि तीन तरह के सिम्टम्स एक पर्सन फेस करता है। एक होते हैं फिजिकल सिम्टम, फिर आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम, और तीसरे होते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स। पहले बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, कि बॉडी में फिजिकली एक पर्सन क्या फील करता है जब उसको सोशल एंग्जाइटी आ रही होती है। तो ऐसे में एक तो बहुत कॉमन सिम्टम होता है, वो होता है ट्रेमर्स, मतलब थोड़ा कांपता है शरीर, हाथ पैर कांप सकते हैं, शरीर कांप सकता है, और इसी के साथ जो व्यक्ति बात कर रहा है, किसी से कुछ बोल रहा है, तो उसकी जबान लड़खड़ा सकती है, मतलब वो स्टैमर कर सकता है, हकला सकता है ऐसी सिचुएशन में। इसी के साथ उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, मतलब वो ब्लश करता है। हार्ट बीट तेज हो सकती है, क्योंकि घबराहट होगी, चिंता होगी, तो हार्ट बीट तेज होगी, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, और स्वेटिंग भी हो सकती है। कई लोग जिनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है वो बताते हैं कि उनके हाथ और पैर में बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है जब वो सोशली एंग्शियस होते हैं। इसी के साथ कुछ दूसरे एंग्जाइटी के सिम्टम्स जैसे कि डिजीनेस का होना, चक्कर सा आना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, चेस्ट में पेन होना, स्टिफनेस होना, मसल्स में दर्द होना, हेडेक सा फील होना, चक्कर महसूस होना, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को लगता है जिनमें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा इंटेंस सोशल एंग्जाइटी हो रही होती है, तो उनको लगता है कि हम गिर ना जाएं, बेहोश ना हो जाएं, फेंट होने के भी उनके अंदर टेंडेंसी आ जाती है। मुंह का सूखना, मसल टेंशन होना, गले में ऐसा महसूस होता है कि कुछ अटक रहा है, नौजिया महसूस होता है, उल्टी सी महसूस होगी, पेट में ऐसे लगेगा गैस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस महसूस हो सकती हैं हाथ पैर में, उंगलियों में, या शरीर के किसी और अंग में, ठंडा होना महसूस हो सकता है, लगेगा जैसे कि ठंडे पड़ रहे हैं, सुन्न पड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो सकता है। टिनाइटस भी हो सकता है कई लोगों में, मतलब कानों में ऐसा लगेगा कि कोई रिंगिंग की कोई आवाज आ रही है, कुछ सुनाई दे रहा है, और इसी के साथ सांस फूल सकता है, पेशेंट को लगेगा उसे सांस नहीं आ रही, तो उसे कहीं बाहर किसी खुले में जाने का मन करेगा, जिससे कि वो सोशल सिचुएशन को अवॉइड करके खुले में जाके बेटर तरह से सांस ले पाए। जब ये सोशल एंग्जाइटी काफी लंबे समय से चल रही होती है, या कुछ लोगों में जब ये सीवियर हो जाती है, कुछ ऐसी सोशल सिचुएशन जो बड़ी प्रेशराइजिंग होती है, जहां अवॉइड करना मुश्किल होता है, तो उस केस में कई बार ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स पैनिक अटैक का रूप भी ले सकते हैं।
पर इसमें जो पैनिक अटैक्स होते हैं उसमें फर्क ये होता है कि पेशेंट को पता होता है कि उसे पैनिक जो है वो क्यों आ रहा है, जबकि कई पेशेंट जिनको कि पैनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका पैनिक अटैक कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उन लोगों में पैनिक अटैक की इंटेंसिटी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। जबकि सोशल एंग्जाइटी के पेशेंट्स अक्सर जब सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं, खुले में कहीं चले जाते हैं, सोशल सिचुएशन से बाहर अपने को कर लेते हैं, तो अक्सर उनका पैनिक अटैक भी रिजॉल्व हो जाता है। कई मामलों में उनके लिए कंट्रोल करना पैनिक अटैक को आसान हो जाता है, जबकि एक दूसरा पर्सन जिसको पैनिक डिसऑर्डर है, अगोराफोबिया है, उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल कर पाना। तो ये एक फर्क देखने में आता है उन लोगों में जिनमें सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और पैनिक अटैक आ रहे हैं, उन लोगों के मुकाबले जिनमें सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर है या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी या अगोराफोबिया के साथ पैनिक अटैक आते हैं। अब बात करेंगे कॉग्निटिव सिम्टम्स की। जिन लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उनके मन में या ये कहें कि उनके विचारों में काफी नेगेटिविटी होती है, खुद को लेकर बहुत डाउट करते हैं, सोशल सिचुएशंस को लेकर या जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशंस हैं जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग करना, प्रेजेंटेशन देना, ऐसी सिचुएशंस को लेकर उनमें खुद को लेकर बहुत डाउट होता है और काफी सारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स उनमें देखने में आते हैं। कुछ ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स की बात करूंगा। सबसे पहला एक नेगेटिव बिलीफ होगा कि उनमें इनएडिक्वेसी के बिलीफ होते हैं, मतलब खुद को अक्षम मानते हैं, खुद को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट और इस तरह से देखते हैं कि वो उस लायक नहीं कि वो इस सिचुएशन में परफॉर्म कर सकें। लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में वो अपने को बड़ा अक्षम पाते हैं, उन्हें लगता है कि उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों से ठीक तरह से डील कर पाएं या लोगों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएं। और ये बिलीव्स उनके दिमाग में इतने पकड़ बना लेते हैं, इतने गहरे में बैठा लेते हैं वो इन विचारों को, कि वो हर नई सिचुएशन में पहले से ही सोच लेते हैं, पहले से ही एक धारणा बना लेते हैं कि ये सिचुएशन में मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या इस सिचुएशन को फेस करना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसा सोचने भर से ही उनकी एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है और वो और ज्यादा सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। तो अपनी इनएडिक्वेसी को लेकर, अपनी इनकैपेबिलिटी को लेकर बहुत गहरे और बहुत ही रिजिड विचारों की वजह से सोशल एंग्जाइटी बनी रहती है। ये कॉग्निटिव सिम्टम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि सोशल एंग्जाइटी को बनाए रखते हैं, ये उस सोशल एंग्जाइटी को जाने नहीं देते। फिर दूसरा एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होता है, या जिसे कहें कि थिंकिंग डिस्टॉर्शन या थिंकिंग बायस होता है, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसमें एक पर्सन सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा फोकस करता है, मतलब जब उसके ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, जब वो सोशली अच्छे से परफॉर्म कर चुका होगा या जिसमें उसने बहुत अच्छे से लोगों से डील किया होगा, वो उन सिचुएशंस पर ध्यान नहीं देगा, वो केवल उन्हीं सिचुएशंस पर ध्यान देगा। उसको वही चीजें हमेशा याद आएंगी जहां पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी या कर पाया था और उसको बहुत ही बुरा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ था या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुई थी। और इसी के साथ उनको ऐसा भी लगता है कि उनके अलावा दूसरों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, दूसरे उनसे ज्यादा सोशली एप्ट हैं, मतलब ज्यादा सोशल कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरों में है और उनमें नहीं है। तो अपने को नेगेटिव तरह से देखना, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को डिस्कार्ड करना, उनको रिजेक्ट करना या डिनाई करना और केवल अपने अंदर नेगेटिविटी पर फोकस करना, ये एक तरीके का नेगेटिविटी बायस होता है। मतलब सिर्फ नेगेटिव को ही देखने के लिए एक व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहता है या उसका दिमाग हमेशा उसे नेगेटिव चीजें ही दिखाता है। और जैसा कि होता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव पर फोकस किया जाएगा, दिमाग में उतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगी, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी होगी और उतना ही ज्यादा सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी महसूस होगी और उतना ही ज्यादा एक पर्सन इन सिचुएशंस को अवॉइड करेगा। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव बायस है, ये सोशल एंग्जाइटी को बनाए रखने का काम करता है। फिर इसके बाद तीसरा एक टाइप होता है नेगेटिव थिंकिंग का, जिसे कहते हैं नेगेटिव इवैल्यूएशंस या नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस। मतलब कोई भी सोशल सिचुएशन होगी, उसमें उस व्यक्ति ने कितना ही अच्छा या बुरा परफॉर्म किया होगा, उस पर्सन का माइंड सिर्फ नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस बनाएगा। वो बस यही सोचेगा कि अच्छा, इस सिचुएशन में दूसरों ने मेरे बारे में ये सोचा होगा, इस सिचुएशन में मैं और अच्छा कर सकता था, इस सिचुएशन में मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी, इस सिचुएशन में और ज्यादा कुछ बेटर मुझे कहना चाहिए था, क्या वजह हो गई कि मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, दूसरे व्यक्ति ने ऐसा मुझे क्यों बोला। तो हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखने के साथ साथ हर सिचुएशन का एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन बनाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि सब कुछ जो भी हुआ है वो बुरा ही हुआ है, उनको ये नहीं लगेगा कि कुछ अच्छा भी हुआ है। या किसी भी सिचुएशन में इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे कि उसमें से नेगेटिव चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सारे जो नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव बायसेस, नेगेटिव इवैल्यूएशंस और इंटरप्रिटेशंस हैं, ये सारी आपस में जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हैं। नेगेटिव बायस होगा तो सिर्फ नेगेटिव चीजों पर फोकस करेंगे।
फिर उसके बाद हर सिचुएशन का एक नेगेटिव इवेल्युएशन बनाएंगे, और साथ ही हमारे अंदर ये बिलीव्स कि हम नेगेटिव हैं, हमारे बस की नहीं है, ये बिलीव इतना गहरे में होगा तो वो बार बार उनको सोशल एंग्जाइटी दिया जाएगा। तो ऐसे ये सारे नेगेटिव बिलीव्स जो हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक पर्सन को सोशली एंग्शियस बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपने पहली बार कोई जॉब शुरू की है, आपके जो मैनेजर हैं या सीनियर हैं वो आपसे मिलते हैं, और आपके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, या फिर पुराने लोग हैं जो कंपनी ऑफिस में काम करते थे, डिपार्टमेंट टीम में काम करते थे। तो ऐसी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में सबको कहा जाता है कि चलो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो, आप अपने को इंट्रोड्यूस करके बताओ। कुछ ऐसी सिचुएशन मान लीजिए होती है जहां पर आपको बड़े सारे लोगों के साथ डील करना है और परफॉर्म करना है, मतलब अपने को इंट्रोड्यूस करना है। अब अगर आपको या किसी को अगर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स लाना शुरू कर देगा। अरे सारे के सारे लोग बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, सब लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों को इस सिचुएशन में कुछ नर्वस फील हो रहा होगा। अरे मैंने अगर कुछ बड़ा अजीब सा, बड़ा डंब और बड़ा बेवकूफ़ी जैसा कुछ बोल दिया या कह दिया तो सब लोग क्या सोचेंगे, मेरा पहला इंप्रेशन खराब हो जाएगा, सब लोग समझेंगे कि मैं बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा तो आगे काम कैसे करूँगा, मेरे बारे में लोग शायद ऐसा सोचेंगे, क्या पता लोगों को नज़र आ गया मेरा कांपना, क्या पता लोगों ने नोटिस कर लिया कि मैं घबरा रहा हूँ, कल को जाकर ये लोग मुझे मेरा काम अच्छे से नहीं देंगे, कल को ये लोग मुझे बड़ा अंडर एस्टिमेट करेंगे। ऐसी ऐसी सारी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकती हैं अगर आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और ये सिचुएशन आपके लिए बड़ी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग हो सकती है। अब ऐसे में क्या होगा, आप इतने ज्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, इतने ज्यादा अपनी नेगेटिव थॉट्स में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे कि आपका ध्यान एक्चुअल में लोगों से हटना शुरू हो जाएगा। आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि लोग बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आप पूरी तरह से उस सिचुएशन को हेल्दी पॉजिटिव वे में इवेल्युएट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सारा ध्यान अपनी नेगेटिव थॉट्स में चला जाएगा। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये स्पाइरल की तरह आपको अपने अंदर घेरती रहती हैं, मतलब कि आप घिरते जाते हैं और आप पूरी बुरी तरह फंस जाते हैं इन नेगेटिव थॉट्स में। और जब आपकी बारी आती है बोलने की तब आप इतने एंग्शियस हो जाते हो, इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हो कि आप सच में एंग्शियस होकर लड़खड़ाने लगते हो, आप स्टैमर करने लगते हो, ट्रेमर आ जाते हैं, और ऐसे में जो आपका मन पहले सोच रहा था वो सच में हो जाता है। मतलब एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह खुद के द्वारा दी गई भविष्यवाणी और खुद ही के द्वारा पूरी की गई उस भविष्यवाणी में आप उलझ जाते हो, इस पैटर्न में, इस चक्र में, इस चेन में आप उलझ जाते हो, और फिर आपका ये बिलीफ और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है कि देखा मुझे तो ऐसी सिचुएशंस में हमेशा एंग्जाइटी होती है, मैं हमेशा कांप जाता हूं, हमेशा लड़खड़ा जाता हूं। और फिर दूसरे लोग एक्चुअल में नोटिस कर लेंगे और दूसरों का जो ओपिनियन है आपको लेकर वो एक्चुअल में ऐसा बन जाता है कि हाँ ये पर्सन शायद नर्वस है, या अगर वो नहीं भी बनता उनका ऐसा परसेप्शन तो भी आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये तो पर्सन बड़ा नर्वस होगा, आपसे जब लोग बात करते हैं तो आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में जज कर रहे हैं, लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग मुझे कुछ नहीं समझते। तो ऐसे में आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ी चोट हो जाएगी और आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होकर उस कंपनी में, उस जगह पर काम करने लगेंगे। अब तीसरे टाइप के सिम्टम्स आते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कई बार आप कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं, ऐसे बिहेवियर शो करते हैं जो कि फियर की वजह से है, एंग्जाइटी की वजह से है, और वो अवॉइडेंट बिहेवियर्स हैं बजाय इसके कि वो आपकी प्रेफरेंसेस हों, च्वाइस हों, विशेज हों, डिजायर्स हों। और कई बार तो आप उन्हें अपनी डिजायर भी मान लेते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी का उसे पार्ट भी बना लेते हैं अवॉइडेंट बिहेवियर्स को, जिस वजह से आपको लगता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, पर एक्चुअल में ये जो सारे अवॉइडेंट बिहेवियर्स हैं ये आप अपने फियर की वजह से, अवॉइडेंस की वजह से कर रहे हैं, और अवॉइडेंस जो है वो फियर के रिस्पॉन्स में आता है और इसे हेल्दी नहीं समझा जाता। इसीलिए आपको ये जो अवॉइडेंट बिहेवियर्स हैं ये बीमार बनाए रखते हैं, आपको सोशली एंग्शियस बनाए रखते हैं और आपके अंदर एंग्जाइटी को हमेशा बढ़ाए रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास है कॉलेज में या स्कूल में और आपको प्रेजेंटेशन देना है, और प्रेजेंटेशन जैसे टाइम के लिए आप में बड़ी सोशल एंग्जाइटी होती है, आपको बड़ा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सारे स्टूडेंट्स टीचर्स मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे। तो ऐसे में आप अवॉइड कर सकते हो क्लास प्रेजेंटेशन देना ताकि आपको एंग्जाइटी की वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े और आप खुद को सेफ फील करा पाओ, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको सोशल और परफॉर्मेंस डिमांड्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। या मान लीजिए कि आप जॉब में, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नए रोल पर, नई पोजीशन पर प्रमोट किया जा सकता है, पर आप उस प्रमोशन को नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, टीम में बहुत सारा मुझे काम करना पड़ेगा, बड़े सारी डिमांड्स पूरी करनी होंगी, डेडलाइंस पूरी करनी होंगी,
तो आप अवॉइड करते हो, आप मना कर देते हो प्रमोशन के लिए भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सोशल उन सिचुएशंस को फेस करने से फियर आता है, एंजाइटी आती है। तो ये सारे जो आपके बिहेवियर्स में जो बदलाव आते हैं, ये जो आपके जो अवॉइडेंट बिहेवियर्स होते हैं, ये सारे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट होते हैं और ये उस सोशल एंजाइटी की वजह से ही होते हैं। तो तीन तरीके के बिहेवियरल रिएक्शंस या रिस्पॉन्स देते हैं लोग ताकि सोशल एंजाइटी को कम किया जाए, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में लोग तीन तरह के बिहेवियर्स शो करते हैं। एक होते हैं अवॉइडेंट बिहेवियर्स, मतलब आप सिचुएशन को अवॉइड करते हो ताकि सिचुएशन फेस ही नहीं होगी तो एंजाइटी नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी, लोग मेरे बारे में कुछ नेगेटिव जजमेंट ही नहीं बनाएंगे, तो हम ऐसी सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इन्हें कहा जाता है अवॉइडेंट बिहेवियर्स। फिर आते हैं सेफ्टी बिहेवियर्स, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम सेफ रहें और हम उस सोशल या परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन को जैसे तैसे करके फेस कर लें। जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी पब्लिक मीटिंग में या किसी सोशल गैदरिंग में, शादी जैसा माहौल हो सकता है, पार्टी हो सकती है, तो आप हमेशा अपने किसी दोस्त को साथ लेकर जाएंगे जो कि आपके बारे में अच्छा ओपिनियन रखता होगा, आपका पुराना दोस्त होगा या पुरानी कोई फ्रेंड होगी, ताकि आप वहां जाकर लोगों से मिलने में कॉन्फिडेंट महसूस करें। और आपके साथ क्योंकि आपका फ्रेंड हमेशा होगा तो आपको कभी सोशल एंग्जाइटी ज्यादा फील नहीं होगी, क्योंकि आपको हमेशा अपना अटेंशन भीड़ से डाइवर्ट करने के लिए कोई पर्सन हमेशा मिल जाएगा। तो इतने नए नए लोगों से मिलने में जो एंग्जाइटी होगी, उससे बेटर है कि आप एक ही व्यक्ति पर सारा ध्यान लगाए रखेंगे, जिससे कि आप उस सोशल एंग्जाइटी से दूर रह पाएंगे। तो ये सेफ्टी बिहेवियर होता है, अपने को सेफ रखने का तरीका है उस सिचुएशन में। बहुत लोग करते हैं ये चीज, बहुत कॉमन है इस तरह के बिहेवियर्स। फिर तीसरे आते हैं एस्केप बिहेवियर, ये है कि पूरी तरह से सिचुएशन को ही खत्म कर दिया, पूरी तरह से सिचुएशन को ही हमने अपनी लाइफ से निकाल दिया। जैसे जॉब ही छोड़ डाली क्योंकि हमें जॉब में लोगों को फेस करने में एंग्जाइटी होती है, स्कूल के अंदर बच्चे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई बच्चा हो सकता है बुली हो रहा हो, या हो सकता है कि टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट आ गए, तो स्कूल ही बदलने के लिए हम पेरेंट्स को कन्विंस करने लगते हैं, या कई बार स्कूल बदलवा भी देते हैं पेरेंट्स। या ट्यूशंस होती हैं, कोचिंग होती हैं, जहां पर कोई टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है और हर क्लास में खड़ा करके आंसर पूछता है, जो कि वो सभी के साथ कर रहा है, सारे बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है, पर जिसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा वो ट्यूशन ही छोड़ देगा, कोचिंग ही छोड़ देगा। तो ये होता है एस्केप, जहां पूरी तरह से भाग खड़ा होता है इंसान उस सिचुएशन से, ताकि सिचुएशन पूरी तरह से ही खत्म हो जाए। ध्यान दें कि अवॉइडेंट बिहेवियर्स और एस्केप बिहेवियर्स अलग होते हैं। एस्केप बिहेवियर्स में पूरी तरह से सिचुएशन को खत्म करने की टेंडेंसी होती है, ताकि फ्यूचर में शायद कभी भी उस सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। पर अवॉइडेंट बिहेवियर्स में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लगाता है इंसान, ताकि फॉर टाइम बीइंग किसी तरह से बस उस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन देने से बचता है इंसान, या प्रेजेंटेशन देनी भी होगी तो लोगों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, उसके लिए कोई बहाना मार देगा, बीमार हो गए थे, ये हो गया था, तैयारी नहीं कर पाए थे। तो मार्क्स कट जाना फिर भी उस पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल होगा, पर लोगों के सामने खड़ा होकर प्रेजेंटेशन देना एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या किसी तरीके से कोई एक्सक्यूजेस देंगे। तो ये होते हैं अवॉइडेंट बिहेवियर, जहां कुछ दूसरा टेक्निक स्ट्रेटेजी लगाता है इंसान, पर एस्केप होता है पूरी तरह से सिचुएशन से भाग खड़े होना। तो जैसा कि मैंने ये सब डिस्क्राइब किया, तीनों टाइप के सिम्टम्स, फिजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, आप देख पाएंगे कि ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं, ये एक पर्सन की लाइफ को कितना डिफिकल्ट बना सकते हैं, कितना डिसेबलिंग हो सकता है इन सब सिम्टम्स और इन बिहेवियर्स थॉट्स के साथ जीना। तो ऐसे में काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, एक पर्सन जो है वो एक बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीवन जीने लगता है, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशंस, सोशल सिचुएशंस बहुत ही खराब हो जाती हैं, करीब करीब ना के बराबर फ्रेंड्स रह जाते हैं, या बचपन के कोई पुराने फ्रेंड्स थे बस वही बने रह जाते हैं। बहुत मुश्किल हो पाता है लोगों पर ट्रस्ट कर पाना, उनको लंबे टाइम तक अपना दोस्त बनाए रखना, स्कूल में, कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस पर एक पर्सन हमेशा अलग थलग पड़ जाता है, ऐसे में लोनलीनेस की फीलिंग्स बढ़ती हैं, डिप्रेशन भी आ सकता है, लोग बड़े ही हार्श दिखाई देते हैं, ऐसे में थोड़ा सा सस्पिशियसनेस भी आ सकती है, सोशल एंजाइटी में सस्पिशियसनेस भी कई लोगों में देखने में मिलती है, कॉमन होती है, खासकर कि तब जब किसी को बुली किया गया हो तो ऐसे में सस्पिशियसनेस ज़्यादा देखने में आती है, काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। जितनी एबिलिटी पोटेंशियल और जितना अच्छा एक पर्सन का आईक्यू है, उस लेवल तक वो पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज में जहां भी उसको परफॉर्म करना है, वहां उसे लोगों के बीच परफॉर्म करना है, सोशल सिचुएशंस में परफॉर्म करना है, ऐसे में जब सोशल सिचुएशन से ही पर्सन दूर भागेगा तो वो ना अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा और ना उसकी परफॉर्मेंस को दूसरे लोग पहचान कर उसको प्रमोट कर पाएंगे या उसके बारे में अच्छा ओपिनियन बना पाएंगे, ये भी संभव नहीं हो पाता।
तो ऐसे में अगर ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चलती रहे तो एक पर्सन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ज्यादा अच्छी उसकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, लाइफ में अपने प्रोफेशन में करियर में ग्रो नहीं कर पाएगा। बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, या फैमिली रिलेशंस हो, मैरिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर जगह वो पर्सन बस दूसरों से दूर भागेगा, पीछे हटने की कोशिश करेगा ताकि वो किसी तरह से सेफ रहे, अवॉइड करता रहे, ताकि एंग्जाइटी फेस ना करनी पड़े। मन में डर रहेंगे कि लोग कैसे जज करेंगे, कैसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, तो ऐसे में पूरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। और किसी किसी केस में पेशेंट का अगर कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे या कहीं से एक्सपोजर मिल जाएगा तो अल्कोहल और ड्रग्स की भी आदत पड़ सकती है, तो उस केस में और नई समस्या और नई बीमारियां एक पर्सन पाल लेगा, और ऐसे में उसे ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन की बीमारियां भी लग सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं, या ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें क्या बिहेवियर्स नोटिस में आते हैं, क्योंकि बच्चे और एडल्ट्स अलग तरह से सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखाते हैं। तो बच्चों में क्या होगा, एक तो वो पेरेंट्स के साथ बहुत क्लिंगिंग बिहेवियर शो करेंगे, मतलब चिपके रहेंगे, उनको छोड़ने में उनको दिक्कत आएगी, कहीं भी अगर किसी सोशल सिचुएशन में जाएंगे तब उस केस में। टेंट्रम्स दिखाएंगे अगर उनको किसी सोशल सिचुएशन में फोर्स किया जाएगा इन्वॉल्व होने के लिए, जैसे स्कूल जाने के लिए अगर उनको कहा जाएगा, बच्चों के बीच उनको बैठने के लिए, बच्चों में इन्वॉल्व होने के लिए कहा जाएगा, तो बच्चा बहुत टेंट्रम दिखाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बार बार मम्मी पापा को बुलाने की बात करेगा, कोने में जाकर कहीं खड़ा हो जाएगा, जमीन पर लेट जाएगा, किसी तरह से बस वो ऐसा रोना चीखना चिल्लाने जैसा बिहेवियर करेगा जिससे कि उसको बस उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया जाए, वो ऐसी इच्छा रखेगा, दूसरे बच्चों से खेलने से मना करेगा, घर से नीचे बाहर जाने में वो हिचकिचाएगा, मना करेगा। कुछ दूसरे फोबियाज भी बच्चा ऐसे में डेवलप कर सकता है जिन्हें स्पेसिफिक फोबियाज कहते हैं। साथ ही बच्चा सोमेटिक कंप्लेंट्स शो करेगा, मतलब कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या कोई और तरीके का फिजिकल सिम्टम दिखा सकता है। इनफैक्ट बच्चे में इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी आ जाएगी कि बच्चा बीमार भी ज्यादा पड़ने लगेगा। तो ऐसे में बच्चे के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सोशल सिचुएशंस को फेस कर पाना। यूरिनेट भी कर देते हैं कई बच्चे ऐसे में सोशल सिचुएशंस में, डिफेकेट कर देते हैं, पॉटी निकल जाती है उनकी जब वो बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं। एक टर्म है, कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़े सारे मनोवैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया है, जो कि देखा है बच्चों में, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसे कहते हैं बिहेवियरल इनहिबिशन। ये बहुत छोटी उम्र के बच्चों में देखने में आता है, जिसके बेसिस पर वैज्ञानिक बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस बच्चे में सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होगा। ये बहुत अच्छा प्रिडिक्टर होता है SAD, मतलब सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डेवलप होने में। बिहेवियरल इनहिबिशन एक ट्रेट होता है, एक बच्चे में एक टेम्परामेंट का एक ट्रेट होता है, जिसमें बच्चा जब भी अनफेमिलियर सिचुएशंस में एक्सपोज होता है तो वहां अक्सर बड़ा हेजिटेट करता है इन्वॉल्व होने में। मतलब ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने से भी बहुत पहले दिखाई दे जाता है, मतलब बच्चा जब टॉडलर है, 2, 3, 4 साल का है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने में आ जाती है। जब भी किसी अनफेमिलियर सिचुएशंस में जाएगा, जैसे किसी नए लोगों से मिलेगा या नए किसी एनवायरमेंट में जाएगा, कुछ बच्चों से थोड़ा दूर भी अगर वो होगा और वो देखेगा कि कोई एक नया सा एनवायरमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट में वो अप्रोच करने की बजाय अपने को काफी रिस्ट्रिक्ट करेगा, जिसे इनहिबिशन कहा जाता है, अपने को रोकेगा, डरेगा, हिचकिचाएगा, धीरे 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 एनवायरनमेंट में अपने को इन्वॉल्व करेगा, पहले देख के हंसेगा, देख के पहले दूसरों को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, और अपने माँ बाप के साथ चिपका रहेगा, उन्हें छोड़ने से मना करेगा। अगर मम्मी पापा उस एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा सा हिल भी गए और बच्चे को थोड़ा सा भी अलग अगर अपने से खड़ा कर दिया तो बच्चा परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, टेंट्रम शो करेगा, एंग्शियस हो जाएगा। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट में, नए एनवायरनमेंट में जब बच्चा बड़ा एंग्शियस और बड़ा ही इमोशनल सा बिहेवियर दिखाता है, उसे बिहेवियरल इनहिबिशन कहा जाता है। मतलब बच्चा अप्रोच नहीं कर रहा, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। और यही टेंडेंसीज बड़े होके, मतलब जब बच्चा थोड़ा 7, 8, 10 साल का हो जाता है या टीनेजर बन जाता है, तब यही इसी तरीके का जो ट्रेट टेम्परामेंट होता है वो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सोशल सिचुएशंस उसे बड़ा सारा स्ट्रेस दे रही हैं, बड़ा सारा उसको प्रेशर दे रही हैं, जिसकी वजह से वो दूर भागने की उसमें टेंडेंसी है और वो ज्यादा डर सकता है, ज्यादा डर जाता है। इसी के साथ टीनेजर्स में भी कुछ अलग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि वो नए फ्रेंड्स नहीं बना पाते, नए लोगों से मिलना तो दूर, उनको जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं वो भी छूटते जाते हैं, क्लास में सबसे अकेले अलग थलग बैठते हैं,
किसी भी ग्रुप एक्टिविटीज में, मतलब प्ले एक्टिविटीज में, जैसे कि बाहर रिसेस पीरियड में, लंच पीरियड में खेलना हो, स्पोर्ट्स में खेलना हो, या कोई भी दूसरी सिचुएशन, जैसे कि कंप्यूटर लैब में गए हैं, या साइंस की लैब में गए हैं, या ड्राइंग आर्ट क्लास में गए हैं, वहां भी वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो यहां ये ध्यान देने की चीज है कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर तभी डायग्नोस किया जाता है जब केवल घर पे ही नहीं, या कुछ फैमिलियर एनवायरनमेंट में ही नहीं, करीब करीब हर एनवायरनमेंट में बच्चा जो है वो दूर रहने की कोशिश करता है, पर्सन दूर रहता है, तभी उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में देखते हैं। मतलब एक परसिस्टेंस होनी चाहिए, परवेसिवनेस होनी चाहिए अलग अलग सोशल सिचुएशंस में, तभी उसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फाइनली मैं दूंगा कि महिलाओं में, लड़कियों में सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स कैसे आते हैं, कैसे उनमें ये बिहेवियर्स दिखाई देते हैं। रिसर्च बताती है कि महिलाओं में, लड़कियों में पुरुषों के मुकाबले, लड़कों आदमियों के मुकाबले सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है। एक तो वैसे भी महिलाओं में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ज्यादा मिलते हैं आदमियों के मुकाबले, और उसी तरह सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी लड़कियों में ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट यही सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो बचपन में पनपते हैं, वो बड़ी उम्र में जाकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का रूप ले लेते हैं। मतलब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी के लिए भी महिलाओं को ज्यादा एक्सपोज करते हैं, और इसी के साथ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स भी महिलाएं ज्यादा फेस करती हैं लड़कों के मुकाबले, आदमियों के मुकाबले। वर्क सिचुएशंस में भी एंग्जाइटी जो महिलाओं में होती है वो कई गुना ज्यादा होती है आदमियों के मुकाबले। इसलिए अगर इन एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स का अगर ट्रीटमेंट सही समय पर ना किया जाए, खासकर कि लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका सोशल एंग्जाइटी टीनेज में ही आइडेंटिफाई हो जाए और उसका इलाज हो जाए, नहीं तो बड़ी उम्र में उनको ज्यादातर सिचुएशंस में एंग्जाइटी फील होगी और वो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का काफी सीवियर फॉर्म दिखाएंगी, सीवियर मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, तब उनका इलाज भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई तरीके के डिस्ट्रेस हो जाते हैं जिसको दूर करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में लंबे टाइम तक दवाओं पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो इसलिए जरूरी होता है, और बहुत सारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि लड़कियों में 13-14 साल की उम्र में ही अच्छे से पहचान लिया जाना चाहिए सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये जो वीडियो में जानकारी थी साइंस सिम्टम्स के बारे में कि सोशल एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या बिहेवियर्स होते हैं, ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।